हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ECHS कार्ड से रिलेटेड जो लेटेस्ट ऑफिस ऑर्डर आया है, जिसमें कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा बताया गया। अगर डिलीवरी में कोई इशू है या रिन्यूअल पेमेंट के बारे में जो प्रॉपर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप इस पर्टिकुलर ऑफिस ऑर्डर को ECHS की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, और आप ज़रूर चेक करें जिससे कि आपको जो है हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहे। ECHS स्मार्ट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए इससे रिलेटेड हर अपडेट जो हम आपको पहुंचाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये जो अपडेट आया है वो आया है जो वेरिफिकेशन है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अभी क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या हो रहा है कि जो ECHS का स्मार्ट कार्ड प्रिंट होके आ रहा है वो गलत प्रिंट होके आ रहा है, जिससे कि आपको जो ECHS की जो फैसिलिटीज़ हैं वो लेने में इश्यूज़ आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड जो है ये अपडेट है। इसमें बेसिकली जो मेन मेन पॉइंट्स बताए गए हैं थ्रू विच यू कैन मेक श्योर कि आपका ECHS कार्ड इज़ एरर फ्री, तो उसमें आप देखिए, मैं आपको ऑफिस ऑर्डर ही दिखा देता हूँ जिससे कि आप प्रॉपर उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये है वो ऑफिस ऑर्डर में इसमें कि मेंशन किया गया है। पहली बात क्या है कि जो ECHS जो भी स्मार्ट कार्ड बनाते हैं वो इंडिविजुअल ESM जो एक्स सर्विस मैन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन वो डाल रहे हैं वो ठीक हो। अगर वो इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से गलत डालेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ चांसेस ये हैं कि वो जो ECHS कार्ड आएगा स्मार्ट कार्ड उसमें इश्यू होंगे। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो ये भी चांसेस, बहुत सारे चांसेस ये हैं कि कई लोगों को इसको यूज़ नहीं करना रहा, उस चांसेस में या उस केस में जो है इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को देख के अब जो है ECHS ने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया है कि ये टू प्रोसेस होगा। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड जो है वो 64 KB का होता है, वो पहले ESM जो है एक्स सर्विस मैन खुद फिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, फोटोग्राफ अटैच करते हैं। ये फर्स्ट लेवल है। इस फर्स्ट लेवल में एक्स सर्विस मैन को ये चेक करना है कि जो भी कुछ अपलोड कर रहे हैं, नाम की स्पेलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट्स, वो प्रॉपर हो। उसके बाद से वो पेमेंट करते हैं, और जैसे ही पेमेंट करते हैं एप्लीकेशन इज विजिबल टू रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस, वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास चला जाता है। नाउ अब जो है रिकॉर्ड ऑफिस जो है इसको वेरीफाई करेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब रिकॉर्ड ऑफिस कैसे इसको वेरीफाई करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं उसमें जो नाम है और वो जो नाम की स्पेलिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं उन सबको वेरिफिकेशन के बाद से थर्ड स्टेप आता है, जिसमें कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सीधे कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। तो अब रिकॉर्ड ऑफिस को भी ये मेक श्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन ESM ने फिल की है वो एक्यूरेट नहीं है, उनको ये मान के चलना है। इसलिए उनकी वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगी, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के वेरीफाई होने के बाद से सीधे जो है कार्ड जो है प्रिंट के लिए चला जाता है। तो अल्टीमेटली अभी तक ये देखा गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफिस चेक कर रहे हैं उसके बावजूद गलतियां आ रही हैं, तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड ऑफिस विल मेक श्योर कि जो भी एंट्री की गई है वो ठीक हो, और उसके बाद से जो है जो भी आपका स्मार्ट कार्ड आता है वो एरर फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत है तो आपको जो है ECHS का क्लेम करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वेरीफाई करने के लिए। डाटा डिलीवरी का या रिन्यू करना है तो उसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।